आयुष्मान भारत योजना के महान यज्ञ को सफलतापूर्वक जो लगातार निस्वार्थ भाव से आहुति दे रहे हैं, ऐसे हमारे कई हज़ार विभिन्न स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता, चाहे वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के वॉलंटियर्स हों, चाहे वो भारत सरकार से जुड़े हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हों, चाहे वो सरकारी अस्पतालों से जुड़े हों, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े हों, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हों, ऐसे बहुत स्तर पर बहुत सारे देश के लोग आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और सबसे बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम को और इस योजना को भारत के अंदर अगर किसी का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त है और जिनके विजन के कारण, जिनकी दूरदर्शिता के कारण, जिनके गरीबों के प्रति एक अत्यंत संवेदनशील भाव के कारण इस आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हृदय मन और आत्मा के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। क्योंकि कल सबसे पहला भारत के अंदर किसी ने इस अवसर पर अगर किसी ने ट्वीट किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उन्होंने इस अवसर को अपना बहुत महत्वपूर्ण भी बनाया, बहुत सात्विक भी बनाया, और देश के हजारों लाखों करोड़ों गरीब लोगों की उनको इसके कारण दुआ मिली। मैंने भी ऐसे बहुत सारे मरीजों के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर संपर्क किया। दिल्ली में यह योजना लागू नहीं थी, लेकिन भारत सरकार के कई अस्पतालों में, खासकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, दिल्ली के बाहर के मरीज जो लाभार्थी थे वो यहाँ पर आकर इस योजना का लाभ उठाते थे, ऑपरेशन अपने कराते थे, और ऐसे बहुत सारे मरीजों की हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, राम मनोहर लोहिया से लिस्ट ली। वो दिल्ली से बाहर रहते थे, लेकिन दिल्ली से बाहर आसपास के गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादनगर, इस तरह के इलाकों के अंदर जाकर ऐसे बहुत सारे परिवारों के साथ घर में जाकर हम लोगों को मिलने का मौका मिला। और मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता उन परिवार के लोगों की भावनाओं को, किस प्रकार से अत्यंत भावुक होकर वो कहा करते थे कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के कारण उनके परिवार के अंदर उनकी बच्ची का, उनकी माता का, उनके पिता का, पत्नी कहती थी मेरे शौहर का, कैसे इलाज हुआ और कैसे उसके प्राणों की रक्षा हुई। और हमने स्वयं बहुत सारे मरीजों को आंखों में आंसू लेकर, आंख से आंसू डबडबा रहे हैं, और वो कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए सबसे बड़े मसीहा हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज जब हम देख रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण के दौरान सारे देश के अंदर लाखों हमारे श्रमिक भाई, उनकी बुजुर्ग माताएं, बच्चे एक स्थान पे जहाँ काम करते थे या तो वहाँ पर फंस गए या दूसरे स्थान पर फंस गए,
या अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितनी प्रकार की तकलीफें हो रही हैं, असाधारण परिस्थितियों के अंदर रहना पड़ रहा है। भगवान ना करे ऐसे किसी को भी अगर कोई बड़ी तकलीफ हो जाए तो घर से दूर असाधारण परिस्थिति के अंदर किस प्रकार से उनको आयुष्मान भारत योजना एक संजीवनी के रूप में आशीर्वाद दे सकती है, इसकी कल्पना आज के हम इस समय के अंदर अच्छी तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं।